लाइफ क्या है? वॉर। वॉर में क्या चाहिए? हिम्मत। तुम देखो डाकू जो है वो भी भगवान की पूजा करते हैं इंडियन कल्चर में, काली भवानी, जय मां भवानी, उनको भी हिम्मत चाहिए। एंड हु इज द सोर्स ऑफ हिम्मत? गॉड। अब आप ये कहेंगे कि यार भगवान डाकुओं को भी सपोर्ट करता है। भगवान किसी को सपोर्ट नहीं करता, पर सबको भगवान चाहिए। ले रिक्शा वाला, वो कभी रिक्शा चलाता है? जय भवानी कहकर रिक्शा चला रहा है, उसके पास हिम्मत नहीं है और ना वो बाहर से ले रहा है। हिंदू मुस्लिम जब दंगा होगा ना तो मुसलमान चिल्लाएंगे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। क्यों? अल्लाह से हिम्मत मांग रहे हैं। फिर दूसरी पार्टी भी चिल्लाएगी, हर हर महादेव, तुरसुल्ली भागे जाए, क्योंकि हिम्मत की कमी दोनों को है। तो जब दोनों चिल्लाते हैं तो हिम्मत लेते हैं, फिर उस हिम्मत में एक तलवार डाल दिया, दूसरे त्रिशूल डाल दी। इनसे कह दो तो चिल्लाए ना, तब ना मार पाएंगे ये। इनसे कह दो कि बिना चिल्लाए मारो। तुम जब कभी मूवीज देखो, मूवीज बेस्ड ऑन वॉर, व्हेन सोल्जर्स रन दे शाउट चाहे बजरंग बली, वो पता है क्या है? हिम्मत मांग रहे हैं कि भाई साहब हालत खराब है थोड़ा सा। हाँ, और इंडियन आर्मी के पास दो दो हिम्मत आ जाती है, एक बजरंग बली से, एक ओल्ड मॉन्ग से। पाकिस्तानी हमसे क्यों हारते हैं? पाकिस्तानी के पास एक ही हिम्मत है अल्लाह की, इंडियंस के पास दो है। अब वो शराब पी नहीं सकते क्योंकि मुसलमान है, अफीम पी ले तो गन उठेगी ही नहीं। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि बेईमानी है, इंडिया वाले तो डबल डबल साकर से लड़ते हैं हमसे। अब एक तो नारा लग गया बजरंग बली, ऊपर से एक बोतल अंदर चली गई और भाग रहे गन उठा के, और भागते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान रास्ते देखी जा, जब भाग नहीं है, और जब सुबह नशा उतरा देखे लाहौर में बैठे। बोले लाहौर में कब्जा, बोले भट नशा भी करके भाग दो लाहौर में कब्जा। भाई जो हमने कब्जा किया था वो हमसे छूट कैसे गया? कोई कब्जा हमसे नहीं था, हम बस निकल गए। इसलिए शराब की बड़ी इज्जत है। तो लोगों को जैसे गाँव में यू विल फाइंड द स्टोरीज इन द विलेजेस अबाउट अ पीपल ट्री, अबाउट अ बनियन ट्री, कि डोंट गो इन बिलो दिस पीपल ट्री इन द नाइट, डोंट गो बिलो दिस बनियन ट्री इन द नाइट, देर इज अ सोल ऑन दिस ट्री, वुमन सोल, शी कम्स आउट आफ्टर 12 AM। इन केस यू हैव टू पास बिलो दैट ट्री, तो यू विल रिसाइट आइदर हनुमान चालीसा इफ यू आर अ हिंदू और द इस्लामिक मंत्र। बट देन ऑल्सो पीपल आर नॉट सो मच कॉन्फिडेंट आफ्टर रिसाइटिंग इस्लामिक मंत्र एंड हनुमान चालीसा, दे आर अफ्रेड, देखते रहते हैं कि नहीं तो उतरे तो नहीं। बट जिस बंदे ने चार पैक लगा ली, ही गोज एंड स्टैंड बिलो द बनियन ट्री। क्यों उतर? ये रीजन है, दिस इज द रीजन दैट ऑल द रिलीजन दे हेट लिकर। तुम देखो सारे रिलीजन दारू की बुराई करते हैं कि बहुत गंदी चीज है, क्योंकि उसका मुकाबला नहीं कर पाते। कोई हनुमान, तुम देखो कोई ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, उससे कहो हनुमान चालीसा पढ़ो, अरे भाड़ में गए हनुमान चालीसा। अगर अगर दारू पिला के ले जाओ ना, उजागर लेट जाएगा कि डॉक्टर डाल दे चाकू। सर हिम्मत की बात कितनी भी कर लो, जब इंजेक्शन लगने का समय आता है ना, मैं अरे मुझे अभी इंजेक्शन लग रहा था एक सीरीज में, मेरी बेटी मेरे साथ गई एक दिन, तो मैंने वो जो इंजेक्शन लगा रहा था मैंने उसको देखा, मैंने कहा कि बहुत पैसा है तुम्हारे पास, 5 साल बाद बहुत रुपया कमाओगे, बड़ा खुश हो गया। भैया आप हाथ देखते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं आदमी का फोरहेड पढ़ता हूँ। अच्छा देखिए भैया, अभी मैंने कहा पहले इंजेक्शन लगाओ। क्या प्यार से उस आदमी ने इंजेक्शन लगाया।
मुझे बाद में डाउट हुआ कि पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया यार, मेरे को पता ही नहीं। लेकिन मैं अपनी बेटी के सामने अब दिखा नहीं सकता कि मैं डर रहा हूं, क्योंकि जब उसको लगता तो मैं कहता हिम्मत इंजेक्शन क्या है। उस दिन मुझे बहुत मार दी, मैं वैसे तो बहुत बड़े शेयर बने टहलते हो, तो वो देखने गई थी कि पापा को क्या हो रहा है। दुनिया में सबसे आसान काम है प्रवचन देना, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है उसे फॉलो करना। इसलिए तुम मुझे कभी भी बहुत आदर्श की बातें करते हुए नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुद को भी फॉलो करना पड़ता है, और अगर तुम नहीं करते तो तुम फिर तुम्हारी बिल्कुल वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए आदर्श की बातें कभी मत करना, तुम्हारी इज्जत हमेशा बनी रहेगी।